जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। शिव पुराण में दो तरीके से ओम का उच्चारण बताया गया है। ओ और मैं, यदि हम ओ और मैं का उच्चारण करते हैं तो ओ जो है वो भगवान शिव का माना जाता है और जो मैं है, आधा जो मैं है वो माता शक्ति का माना जाता है। तो उस तरीके से हम उच्चारण करते हैं तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो प्रसन्न होता है। और ओ उ और मैं, ओ उ और मैं, छोटा उ आधा मैं और ओ, यदि हम तीनों का जाप करते हैं, इन तीनों का उच्चारण करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करते हैं। ओम के अंदर पूरी सृष्टि समाहित है, ओम के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ओम का यदि आप 5 बार भी उच्चारण करते हैं तो आपकी जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है, आप डिप्रेस महसूस नहीं करेंगे और बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। डर आपको लग रहा है तो ओम आपकी मदद कर सकता है। तो कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। ऐसे करना है, पहले सांस भर लीजिए आप शरीर के अंदर अपने फेफड़ों में, ओ एक तो ऐसे ओ और मैं, जितना आप लंबा खींच सकते हैं खींचिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कोई से भी आसन पर आप बैठ सकते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सरलासन, जो भी आसन हो, वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। दूसरा जो है वो है ओ, इस तरीके से ओ आप सांस भरिए और यहां पे ध्यान लगाइए दृष्टि पटल पर, सहस्त्रार्थ चक्र जो है इस पर आप ध्यान लगाइए, लगा सकते हैं तो, नहीं तो आप अपनी नाभि पर भी ध्यान लगा सकते हैं और शुद्ध और सही उच्चारण कीजिए। जितना लंबा आप खींचेंगे, कहते हैं जितना लंबा आप श्वास प्रवास करते हैं उतनी ही आयु बढ़ती है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर आप देखिए आप कितने भी बुरी कंडीशन में हो, कितने भी बुरे समय में हो, कितना भी आपको गुस्सा आता हो, सब छूमंतर हो जाएगा। चमत्कार से कम नहीं है, पर सही तरीका हमको आना चाहिए। आसन अवश्य बिछाइए, आसन अगर आप नहीं बिछाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो जमीन में चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कमर सीधी रख के आप किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो ये है ओम का दो तरीके से उच्चारण, ओ ऊ और मैं, ओ और मैं। आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसका आप ध्यान कीजिए। और जितना जब आप मैं बोलते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप मैं बोलते हैं, मैं का उच्चारण करते हैं तो मैं जो है वो कंठ से निकलना चाहिए, यहाँ उच्चारण होना चाहिए। ओ आप बोलते हैं तो ये जो आपका कपाल है इसमें उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन होना चाहिए, वो आपके लिए मेन है। तो ये आप अपने बच्चों को, आप स्वयं या जो भी आपके पास है उसको आप ये दीजिए ताकि समस्याएं उसकी दूर हो सके। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसी जानकारी मिल सके। और आपके अंदर भी कोई सवाल हो, आपके दिमाग में भी कोई सवाल चल रहा हो शास्त्रों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।